हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में अगर आप कोलकाता में काली घाट जाना चाहते हैं और माँ काली के दर्शन करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको काली घाट का टूर कराऊंगा, दर्शन कराऊंगा माँ काली के। दर्शन के लिए आपको कैसे कहाँ कैसे जाना है दोस्तों, अगर आप हावड़ा से निकले हैं रेलवे स्टेशन से तो आप डायरेक्टली कैब ले सकते हैं। दो चार लोग हैं तो आपको 300 से 400 रुपये कैब में पड़ेगा। ओला बुक कर लीजिएगा आप ऐप डाउनलोड करके। अगर आप सिंगल हैं तो बाइक ले लीजिएगा ओला का। अगर आपको बाइक पे नहीं जाना है तो शेयर्ड में आप कार ले लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पैसा कम लगेगा, ठीक है। अब काली घाट में दोस्तों कुछ भी ज़्यादा तो घूमने के लिए नहीं है, सिर्फ माता काली के दर्शन है। वहाँ पे आपको ये सरकारी प्रशासन के अंदर नहीं आता है ये जो मंदिर है, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि वहाँ पे कई सारे आपको पंडित मिलेंगे जो कि आपको कहेंगे कि आप 200 दे दीजिए, 300 दे दीजिए, 400 दे दीजिए, माँ काली के सीधा दर्शन कराएंगे, आपको माँ काली के पैर छुआएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस तरह दर्शन करना चाहते हैं तो आप उनको पैसे दे सकते हैं, नहीं तो बिना पैसे दिए भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ लाइन भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है आपको, वो लेकिन कंफ्यूज करेंगे, वो ये कहेंगे कि 2 से 3 घंटे का आपको दर्शन लाइन लग गई। देखिए पूरा ये कैंपस है, यहीं पे लाइन लगता है, ठीक है। तो मुझे अब यहाँ पर गया तो यहाँ पे आप देखेंगे यही वो लाइन है जहाँ पर लग रहा है, जो अंदर लोग जा रहे हैं यही माता काली का जो गर्भगृह है यहीं पर माँ काली विराजमान है, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पर लाइन लगना है और आपको कहेंगे तो 3 घंटे का समय लगेगा आपको चप्पल जूते रखने के। दोस्तों कई लोग यहाँ बाहर में बैठे होंगे जो कि ऐसे आपको कहेंगे कि ध्यान रख दीजिए चप्पल, तो आप रख सकते हैं चप्पल, 10 रुपये भी लेते हैं, आपको चप्पल वहाँ सेफली रख सकते हैं, ठीक है। तो माँ काली के दर्शन के लिए आप वहाँ लाइन लग जाइए और अंदर जाइए और वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो जो पंडा लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वो वहाँ पर इतना कंजेस्टेड, इतना फिर कहने का पैक कर दिए हैं कि आपको माँ काली के दर्शन तो हो जाएंगे आसानी से, लेकिन आपको बहुत थोड़ा बहुत वो होना पड़ेगा। भीड़ है नहीं अंदर, लेकिन वो इस तरह से कहते हैं ना माहौल बनाना, तो माहौल बनाना है। अमूमन नॉर्मल डे में ऐसा नहीं होता है, शनिवार के दिन आपको थोड़ा बहुत भीड़ मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। यही आपको जो दिखाया है करकट, इसी में लाइन लगता है, यहीं वहाँ पर सीधा आगे जाएंगे तो माँ काली के मेन मंदिर में आप पहुँच जाएंगे। तो दर्शन बहुत ही सरल है दोस्तों, और आपको कोई खर्चा यहाँ नहीं है। माँ काली को चढ़ाने के लिए आपको बाहर पेड़ा मिलता है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं पूरा मैं आपको चारों तरफ जो परिसर है उसका मैं आपको विजिट करा दे रहा हूँ, और यहीं पर ऊपर ही आपको माँ काली का जो शक्तिपीठ जो माना जाता है वो यहीं आपको है। तो शक्तिपीठ है ये दोस्तों, और काली घाट में फिलहाल कुछ नहीं है, यहाँ पर आएंगे आप दर्शन करेंगे और अपने यहाँ से चले जाना पड़ेगा, बाकी दूसरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दूसरा एक दक्षिणेश्वर मंदिर है कोलकाता में माता काली का, तो वो यहाँ से दोनों आप वही डायरेक्शन में 15 से 20 किलोमीटर की आपको यात्रा यहाँ से भी करनी पड़ेगी। अगर आप तो कोलकाता हावड़ा से दक्षिणेश्वर जाते हैं वो 20 किलोमीटर है, और ये भी 20 किलोमीटर के आसपास का दोनों है। तो फिलहाल माँ काली के दर्शन के लिए काली घाट आप जा सकते हैं, और यहाँ पे आपको कोई खर्चा अलग से नहीं है, 10 रुपये आपको देना पड़ेगा सिर्फ मेरा अस्पताल प्रसाद के लिए। और आप डायरेक्ट दर्शन वाले सिस्टम में जाना चाहते हैं तो 200-300 रुपये आपको, 200 रुपये या 150 से 100 रुपये आपको आप माँ काली के दर्शन। यही वो पूरा दिन के बाहर का ये नज़ारा, यही रोड है, ये मेन गेट से आप अंदर घुसते हैं तो यहाँ से आपको इस परिसर में आ गए हैं आप काली घाट के, ठीक है। तो आगे भी इस तरह के वीडियोस को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको बहुत सारे टूर के और ब्लॉग्स आपको माता के दर्शन और तमाम जितने भारत की अपनी एक अतुलनीय धरोहर है।